सो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 49 कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खत्म हो चुका है एंड जो ये मैच है वो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के जीतते ही पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आखिर कौन सी टीम कौन से पोजिशन पे आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल मैं आपको इस शो में बताने वाला दोस्तों। वीडियो नजर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो बात करते हैं आठवें पोजीशन की। तो गाइस अभी पॉइंट्स टेबल पे आठवें स्थान पे है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जहाँ दोस्तों एसआरएच की टीम ने कुल यहाँ पे 12 मैचेस के लिए उन 12 मैचेस में से 2 मुकाबला जीती है, 10 मुकाबला हारी है 4 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट अभी भी माइनस में चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं सातवें स्थान की। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे सातवें स्थान पे है मुंबई इंडियंस की टीम। जहाँ दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल यहाँ पे 12 मैचेस के लिए उन 12 मैचेस में से 5 मुकाबला जीती है, 7 मुकाबला हारी है 10 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है 0.453 का। अब दूसरी बात करते हैं छठवें स्थान की। तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे छठवें स्थान पे है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल यहां पे 12 मैचेस के लिए उन 12 मैचेस में से 5 मुकाबला जीती है, 7 मुकाबला हारी है 10 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है -0.337 का। अब दूसरी बात करते हैं पांचवें स्थान की। तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे पांचवें स्थान पे है पंजाब किंग्स की टीम। जी दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने कुल यहां पे 13 मैचेस के लिए उन 13 मैचेस में से 5 मुकाबला जीती है, 8 मुकाबला हारी है 10 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है -0.241 का। अब दूसरी बात करते हैं चौथे स्थान की। तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे चौथे स्थान पे है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कुल यहां पे 13 मैचेस के लिए उन 13 मैचेस में से 6 मुकाबला जीती है, 7 मुकाबला हारी है 12 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट अभी भी प्लस में चल रहा है। अब दूसरी बात करते हैं तीसरे स्थान की। तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे तीसरे स्थान पे है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। जी दोस्तों आरसीबी टीम ने कुल यहां पे 12 मैचेस के लिए उन 12 मैचेस में से 8 मुकाबला जीती है, 4 मुकाबला हारी है 16 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है -0.157 का। यहाँ पे आरसीबी की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे स्थान की। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जहाँ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कुल यहाँ पे 12 मैचेस खेले, उन 12 मैचेस में से 9 मुकाबला जीती है, 3 मुकाबला हारी है 18 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है +0.551 का। एंड यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं पहले स्थान की। तो गाइस अब पॉइंट्स टेबल पे पहले स्थान पे है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जहाँ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कुल यहाँ पे 12 मैचेस खेले, उन 12 मैचेस में से 9 मुकाबला जीती है, 3 मुकाबला हारी है 18 पॉइंट के साथ। इनका नेट रेट है +0.829 का। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम भी ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो गाइस यहाँ पे टोटल 49 मैचेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अभी तक 3 टीम से यहाँ पे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई की है, जो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। एंड अभी भी एक स्थान बचा है, उस स्थान के लिए अभी भी 4 टीम्स लड़ाई कर रही है। आखिर उन 4 टीम से कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। आपकी फेवरेट टीम अभी कौन से पोजीशन पे ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड जो अगला मैच है वो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाएगा। आखिर मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस ये पैन करते हुए आपको थोड़ी पसंद आए ऐसे को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।